गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक्स के बारे में। तो लेट मी टेल यू अबाउट लिपस्टिक। अभी ना ही चल रहा है लाल का जमाना और गया है अब ब्राउन का जमाना। आजकल जो लिपस्टिक के शेड चल रहे ना, दैट इज न्यूड शेड्स। मतलब यूथ पागल हो रखी है, लड़कियां पागल हो रखी है न्यूड्स के पीछे। न्यूड्स का ये, न्यूड्स के शेड्स, मतलब न्यूड्स के शेड्स इतने चाहिए ना गर्ल्स को कि। और यार ट्रस्ट मी, न्यूड्स आर परफेक्ट कलर फॉर एनी ओकेशन। मतलब आपको अगर शादी में जाना है तो न्यूड विल सूट, आपको पार्टी में जाना है तो न्यूड विल सूट। अब लेकिन न्यूड्स में भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही न्यूड है, न्यूड के भी अलग ही अलग बहुत सारे शेड्स आने लगे हैं मार्केट में। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ न्यूड शेड्स के बारे में बात करने वाले, विच इज़ माई फेवरेट। तो मेरे बेस्ट ऑफ 5 न्यूड शेड मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो बजट फ्रेंडली उनमें से कुछ, और वैसे तो सारे ही बजट फ्रेंडली होने वाले हैं, बट हाँ अगर आपको सस्ते से सस्ता चाहिए तो मैं आपको वो भी बता दूंगी, और आपको महंगे से महंगा जो मुझे लगता है कि हाँ उससे ज़्यादा आपको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए न्यूड्स में, बिकॉज दे आर परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द रेंज, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आप उनको कहाँ से खरीद सकते हो। देखो मैं अपने स्टोर का भी आपको रेट बता दूंगी, साइड साइड में मैं अपने स्टोर का रेट भी डालती जाऊंगी और ऑनलाइन रेट भी डालती जाऊंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में स्टोर की इंस्टाग्राम हैंडल भी दे दूंगी, आपको ऑनलाइन लिंक्स भी दे दूंगी सारे लिपस्टिक के शेड्स के। ओके, तो आपको जहां से भी लेना है आप वहां से ले सकते हो, आपको जहां जमता है वहां से लीजिए। सो लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट शेड विच इज माई फेवरेट पर्सनली। मेरी मम्मी का तो फेवरेट है, वो कहीं भी जाती है ना तो वो ये ही शेड यूज करती है, विच इज दिस शेड। मैंने अभी भी इसको लगाया हुआ है और ये लिपस्टिक ये वाली है, विच इज फ्रॉम मैट लुक। इसका जो शेड है वो है कैफे फ्रेपे 11। ओके, कैफे फ्रेपे इसका नंबर है 11। तो इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर दिस शेड यू कैन गो फॉर दिस शेड। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती जाऊंगी कि इसका शेड कैसी है, इसकी पैकेजिंग कैसी है, और इसकी स्मूथनेस ट्रस्ट मी गाइस इतनी ज्यादा अच्छी है ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। मतलब मक्खन की तरह जाएगी, और इवन इट्स मैट, ये मैट है, ये बिल्कुल बटरी सॉफ्ट है, एंड द मेन थिंग इज ये नॉन ट्रांसफर है, ये बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं करेगी। ओके, प्राइस रेंज की बात करूं तो मैं आपको डालती जाऊंगी, आप नीचे ध्यान रखिएगा स्टोर पे कितने में मिल रहा है। ऑनलाइन रेट्स की मैं से बात करूं तो इसके रेट्स भी बहुत ज्यादा आई डोंट थिंक है। तो इफ यू वांट टू गो फॉर पिंकी शेड, जो डल स्किन से थोड़ा फेयर स्किन टोन में आए, ये मीडियम से फेयर स्किन पे ज्यादा सूट करेगा ये वाला कलर विच इज पिंक न्यूड। तो इफ यू वांट टू गो फॉर दिस टाइप ऑफ कलर्स देन यू कैन गो फॉर दिस शेड, दिस इज परफेक्ट पिंक न्यूड शेड गाइस। सो द नेक्स्ट शेड इज दिस इज फ्रॉम मैट लुक, एंड इसका जो नंबर है विच इज 32। ये थोड़ी सी हार्श है अपने लिप्स पे, मतलब इसका कलर मैं बात करूँ तो मेरा पर्सनल फेवरेट कलर, मैं इसको स्वेच करके आपको बता देती हूँ। ओके, दिस इज द शेड, ये मेरा पर्सनल फेवरेट कलर है क्योंकि मुझे कहीं भी जाना होता है ना, लाइक मार्केट और इधर उधर कहीं भी जाना होता है, ये डल स्किन टोन से मीडियम स्किन टोन पे बहुत ज्यादा सूट करेगा, बट ये मुझे भी सूट करता है तो ये मुझे भी बहुत पसंद है, बट ये ब्राउन स्किन टोन पे इट विल गो परफेक्ट, ये बहुत अच्छा रहेगा ब्राउन स्किन टोन के लिए। और मतलब इसका जो एक मतलब ये है तो सस्ती, इसका बहुत ज़्यादा वो नहीं है, अफोर्डेबल है बहुत ज़्यादा ही। तो मैं इसका आपको प्राइस भी डालती जाऊँगी, अभी मुझे प्राइस इसका याद नहीं है तो मुझे थोड़ा सा पूछ के और सर्च करके डालना होगा, तो मैं जब वीडियो की एडिट कर रही हूँ तब मैं डालती जाऊँगी इसके प्राइस। तो आप प्लीज़ चेकआउट करते रहना नीचे स्क्रीन पर। प्राइस के हिसाब से आई थिंक ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो प्राइस के हिसाब से इट्स गुड। और इसका कलर तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इवन मैं जब भी लगाती हूँ ना पीपल यूज़ टू आस्क मी कौन सा शेड लगाया हुआ है, तो यू कैन गो फॉर दिस शेड। बट इसका एक ये है कि ये ट्रांसफ़र है, ये ट्रांसफ़र होती है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होगी बट हाँ मीडियम ट्रांसफ़र होगी, तो आप इसको ऑल डे लॉन्ग नहीं पहन सकते हो, इस ये कपड़ा थोड़ी ना है, इसको ऑल डे लॉन्ग नहीं लगा सकते हो, बट हाँ आपको 2-3-4 घंटे तक जाना है तो इट विल स्टे फॉर 2-3 आवर्स, तो यू कैन गो फॉर इट इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर अफोर्डेबल रेंज फॉर
ब्राउन शेड ऑफ लिपस्टिक। गाइस इफ यू आर द वन जिसको स्किन टोन न्यूड शेड पसंद है, जो बिल्कुल स्किन जैसे दिखते बिल्कुल ही न्यूड, एक्चुअल न्यूड कलर जो होता है अगर आपको वो पसंद है, तो देन दिस शेड इज फॉर यू। ट्रस्ट मी गाइस, ये शेड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बना है। अगर आपको बिल्कुल ही परफेक्ट न्यूड बेज न्यूड कलर्स पसंद है, देन दिस इज फॉर यू। ये कलर बार से है, ये ट्रांसफर प्रूफ है, ये लॉन्ग लास्टिंग एंड इवन इट्स हाइड्रेटिंग, मतलब इसका पाउडरी टेक्सचर। तो मैं जब इसको लगाती हूँ ना, तो ये मतलब ऐसे लगती है कि बिल्कुल पाउडर लगा हुआ फे मतलब लिप्स पे। बहुत ज़्यादा इसका अच्छा टेक्सचर है, टेक्सचर के लिए यू कैन गो फॉर इट। ऐसा लगेगा बिल्कुल लाइट वेट है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने लिप्स पे कुछ लगा भी रखा है। और इसका शेड बहुत अच्छा है। अगर मैं इसके शेड की बात करूँ तो इसका शेड है ट्रेप 011, इट इज़ इन शेड ट्रेप 011। सो इफ यू आर द वन जिसको बिल्कुल ही बेज न्यू टाइप कलर्स पसंद है, देन यू कैन गो फॉर इट। अफोर्डेबल, बिल्कुल अफोर्डेबल न्यूड रेंज में जाना है, पिंक न्यूड रेंज में जाना है, देन दिस इज फ्रॉम हिलेरी रोडा। इट इज इन द नंबर 36, ये हिलेरी रोडा की तरफ से। ओके, इट इज ऑल्सो लाइक पिंक एंड ब्राउन मिक्स। इन दोनों को शेड को मिक्स करूंगी तो ये वाला शेड कुछ ऐसा बनेगा। एंड इट इज, और ये शेड की ऐसी खासियत है कि आई थिंक ये फेयर टोन से डल टोन सब पे बहुत अच्छा जाएगा, सो यू कैन गो फॉर इट। और ये बहुत कम रेंज का, इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा हाई नहीं, इट्स वेरी अफोर्डेबल एंड इट्स वेरी क्रीमी। ये क्रीमी बहुत है, बट इसका एक ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, ये ट्रांसफर कर जाएगी। इट विल ओनली स्टे फॉर लाइक 3 to 4 hours ऑन योर लिप्स। तो अगर आपको बजट फ्रेंडली लिपस्टिक लेना है जो आप कभी कभी लगा सको, तो यू कैन गो फॉर इट। ओके, एंड द लास्ट लिपस्टिक जिसको बिल्कुल ही एक्चुअल न्यूड जो होते हैं ना, बिल्कुल पिंक, ना ज्यादा पिंक ना ज्यादा ब्राउन, और बिल्कुल डल, जो बिल्कुल स्किन के टेक्सचर में आ जाए, देन गो फॉर दिस लिपस्टिक। ये लिपस्टिक है इनसाइड कॉस्मेटिक की तरफ से, ये बहुत ज्यादा ही ट्रांसफर प्रूफ है, मतलब ये आप सुबह लगाओगे ना तो शाम तक आपके होठों पे टिकी रहेगी, ऐसी है। इसका टेक्सचर की बात करूँ तो इट्स वेरी क्रीमी। इसका अगर शेड बताऊँ तो इट्स इन 30, इसका नेम है मूडी लिपस्टिक है ये बिल्कुल, और इट्स वेरी ब्यूटीफुल शेड। ये शेड बहुत अच्छा है, परफेक्ट न्यूड जो बोलते हैं ना वो यही है। आपको जितनी भी लिपस्टिक्स बताइए, सारी ही मैट है। मैं सबको अपने लिप्स पे लगा के आपको वीडियोस में बताती जा रही होंगी, तो प्लीज़ आप अच्छे से चेकआउट करना। आपको जो शेड अच्छा लगता है वो आप ले सकते हो। मैं सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सबके स्टोर का हैंडल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आपकी मर्जी हो तो लाइक करना, अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लग रही है, थोड़ी सी भी आपको नॉलेजेबल लग रही है, आपके काम आ रही है, तो अगर आपका मन हो तो लाइक कर देना, ना भी करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो, मैं बहुत मेहनत करती हूँ यार। और चलिए, तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे चेकआउट कर सकते हो, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।